हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं राइट्स लिमिटेड की तरफ से। पूरी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगेन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है तो। इसी के अलावा डेली जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली हमारी जितनी भी जॉब अपडेट्स हैं सबका वीडियो एज सून एज पॉसिबल मिल जाए। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने विजिट नहीं करी है तो आप कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन के बारे में भी जितनी जानकारी है हम आपको अपने चैनल पे देंगे। इसी के अलावा फ्रेंड्स, आप में से जो जो लोग बिलिंग सीखना चाहते हैं कृपया करके मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं। जो लोग बेसिक सीखना चाहते हैं, अब चाहे फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, चाहे कुछ भी काम कर रहे हों, बिलिंग आना आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आप सबके लिए बना दूंगा। जो लोग चाहते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दें। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी निकल के आ रही है राइट्स, इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था 1st of December और जो लास्ट डेट है 20th of December रखी गई है। ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिसशिप की ये पोस्ट है, जहाँ पे अगर आप इस साल पास आउट हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल पे आपको स्टाइफेंड 14,000 पर मंथ, डिप्लोमा लेवल पे 12,000 पर मंथ, आईटीआई लेवल पे 10,000 पर मंथ मिल जाएगी। ग्रेजुएट लेवल पे नंबर ऑफ वैकेंसी 117 है, डिप्लोमा लेवल पे 28 वैकेंसी है, आईटीआई वालों की 69 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 257 यहाँ से निकल के आ रही है। ग्रेजुएट लेवल पे जनरल के लिए 19 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 10 है, ठीक है। टोटल वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट लेवल पे 39 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 21, एसएनटी सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 16 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 38 है, केमिकल के लिए 7 है, टोटल वैकेंसी 117 है। फिर ग्रेजुएट जो नॉन टेक है उनके लिए वैकेंसी 43 है। फिर डिप्लोमा में सिविल के नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 5, एसएनटी के लिए 4, मैकेनिकल के लिए 11, केमिकल एंड मेटलर्जी के लिए 1 वैकेंसी, टोटल 28 वैकेंसी है। फिर आईटीआई में टोटल वैकेंसी यहाँ पे 69 निकल के आ रही हैं। सो सब टोटल वैकेंसी 257 वैकेंसी निकल के यहाँ पे आ रही हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर कोई भी एग्ज़ाम और कोई भी फीस नहीं है, सीधे आपकी परसेंटेज के बेसिस पे आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं होगा। इसी के अलावा आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। इसी के अलावा अप्लाई करने के लिए आपके पास MHRD NATS में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसमें आपका 16 डिजिट का जो नंबर होता है वो होना चाहिए। उसके बाद एक इनका गूगल फॉर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको विजिट करना है और यहाँ विजिट करके आप इनका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका नेट्स का नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी इस नोटिफिकेशन में इतना ही है, बाकी सब जो जनरल होता है अप्रेंटिस के बारे में वही है, कुछ खास चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं ज़रूर एज़ सून एज़ पॉसिबल अप्लाई कर दें। बाकी फ़ायदा ये होगा कि देखिए आज के टाइम में जिस हिसाब से नौकरियाँ तो हैं ही नहीं, तो जिसको अप्रेंटिस मिल रही है वही कर ले, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। बट अगर ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो छोड़ के अप्रेंटिस ना करें। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।